बस भाई ये देखिए घसेरी मिर्च तोड़ने चली गई है। अब मिर्च तो पता नहीं कितनी लाएंगे, लेकिन गोबर लेके मैंने तो कपड़े धो लिए हैं। शीतल भी आई थी, शीतल ने भी कपड़े धो लिए हैं, तो अभी ये अपने पैर रगड़ रही थी, वो कम भी हो गया है, तो अभी इसने हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपकी दोस्त नीलम बिष्ट, उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है सुबह के, बजे 7:30। तो सुबह सुबह मैं आ गई हूँ ये मिर्ची सुखाने, तो ये कल शाम को कवर करके रखी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा पाला पड़ रहा है, तो उसकी वजह से पूरी मिर्ची गीली हो जाती है। तो सबसे पहले जो मैंने रखा था सारे मिर्च ढका के रखे थे, तो ये चुन्नी को मैं हटाती हूँ और फिर इन्हें सारे को फैलाती हूँ। तो दोस्तों अभी मैंने सारी मिर्ची फैला दी है, तो अभी नीचे झाड़ू वाड़ू कुछ नहीं मारा है, तो अभी नीचे चलते हैं। कलक नको यहाँ पे अभी सुबह सुबह बन रही है, भाना भाभी रोटी बना रही है। बस कुल्लर फोन पर तो दोस्तों अभी झाड़ू वाड़ू मारने के बाद यहाँ पे मैंने पानी भी भर दिया है, और अभी माँ छन्नी से आई नहीं है, तो अब मैं खेत में जा रही हूँ। तो अगर मिर्च पकी होगी तो मिर्च तोड़ के लाऊंगी, और नहीं तो घास लेके आऊंगी। बस वह ये देखिए घसेरी मिर्च तोड़ने चली गई है। अब मिर्च तो पता नहीं कितनी लाएंगे, लेकिन गोबर लेके जा रहे हैं साथ में। पप्पू आदि आई आज काज लगा रहे हैं, काजोल फोटो खाई ले चल। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 9:30 और मैं खेत में पहुंच चुकी हूं, तो यहां थोड़ी थोड़ी मिर्च पक रखी है, तो अभी इन्हें तोड़ के ले जाते हैं। और मैं घास काट के ले आई थी, तो ऊपर अभी घास वहाँ पे रखा है, तो अभी मिर्ची तोड़ते हैं। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है शाम के, बज रहे हैं 4:30, और अभी मैं जा रही हूँ मुर्शिदाबाद, तो मेरे साथ है डिप्पी। तो अभी पापा दिल्ली से 10 या 11 बजे के टाइम पे घर पहुँचे थे, और तो फिर जल्दी जल्दी खाना बनाया, और 12:30 बजे तक हमने खाना खा लिया था। तो अभी मुर्शिदाबाद सब्ज़ी लेके आए हैं, तो वो सब्ज़ी लेके आनी है। अभी ये डिप्पी अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तो मैं इसे अपने साथ ले आई, तो इसके पास चाबी है, तो ये लग रहा है कि दीदी गाड़ी चलाते हैं। कह रहा मेरे को गाड़ी चलानी आती है। आंजी डिप्पी दिया हाँ। कौन चलन दी सीधा बता, कन बता हम चाहते हो भाई कन चलन दी ऐसे ऐसे, और ये बनाते ऐसे कर लेते हैं, और सरमान के लिए मैसेज का। तो दोस्तों कमरे में सब्जी रखी है, तो डिप्पी अभी यहाँ खोल रहा है। तो दोस्तों अभी हम सामान लेके घर आ गए हैं, और हमारे गांव के कुछ लोग अभी भवन गए थे, लेकिन वो आए नहीं है, और एक खाली डब्बा था किसी का, तो डिप्पी लेके जा रहा है। डिप्पी डब्बे को इतना हिला हिला के लेके जा रहा था कि डब्बे का ढक्कन नीचे गिर गया, तो अभी ये झाड़ी के अंदर दिख नहीं रहा है, तो अभी डिप्पी नीचे जाएगा और देखेगा कि कहाँ पे है। ये मुझसे गांध है रचा हाँ तन क्या इंग्लिश बोल में तुम। तो दोस्तों अभी मुझे खान से आके मैं जा रही हूँ छन्नी में, और थोड़े से कपड़े हैं, तो वो डिप्पी लेके आ रहा है, तो अभी इतना ही टाइम बचा है कि थोड़े कपड़े ही धुल पाएंगे। तो दोस्तों अभी मैं पहुँच गई हूँ पनेरे में, और यहाँ पे 6:30 और 7:30 हैं, तो ये अभी पानी भर रहे हैं, तो अभी कपड़े धोते हैं। और डिप्पी अभी मेरे को कह रहा था कि दीदी आपके तो मज़े हैं, मैंने कहा किस चीज़ के, कह रहा आप डेली डेली घर पर रहते हो, हमें तो स्कूल जाना पड़ता है, और अभी एक कैमरामैन बिनता है जो बार बार चुप रही है, तो अभी एक हफ्ते से यहाँ अंधेरे में पानी नहीं आ रहा था, तो वो शाम के टाइम अंधेरा हो गया था, इससे ही ज़्यादा लेट हो गया था, तो मैं विंता 3-4 लोग गए थे, और फिर वहाँ से पाइप जुड़ाया, और तब से यहाँ पानी आ रहा है।
कपड़े धो लिए हैं, शीतल भी आई थी तो शीतल ने भी कपड़े धो लिए हैं। तो अभी ये अपने पैर रगड़ रही थी, वो कम भी हो गया है, तो अभी इसने बाल्टी खाली कर दी है। तो अभी कपड़े भरते हैं और फिर चलते हैं घर पे। बाय 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 अभी ना, अभी थोड़ी टाइम छे बाय बाय। हाँ दोस्तों, अभी करते हैं खाने की तैयारी और खाने में बन रहा है आलू और लौकी की सब्जी। और ये देखिए पीछे अंधेरा होने ही वाला है, हल्का हल्का बचा अभी। तो आज कर रहा है मेरा जलेबी खाने का मन, तो हमारे घर में मैदा तो नहीं है तो आटा आटे से ही बनाएंगे। तो दोस्तों अभी मैंने बेसन और आटा एक साथ रख लिया है और बेसन थोड़ा कम है, तो अभी वो चाशनी बनाते हैं। और ये मैंने इसमें पेस्ट भर दिया है और जलेबी बन रही है रात में, क्योंकि और चीज़ें ऐसे हैं नहीं कि जिसमें बन पाए, तो इस बोतल से जलेबी बहुत अच्छी बनती है। तो घर पे कलर था नहीं तो बिना कलर के काम चलाना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी मेरे को बिना कलर के भी सही लग रहे हैं। तो अभी ये देखिए दोस्तों, गरम गरम जलेबियाँ बनके तैयार है जो बहुत करारी हो रखी है। तो दोस्तों अभी जलेबी बनके तैयार है, तो इन्हें खाते हैं और मिलते हैं आपको।